आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी नेक्स्ट ड्रग है आज रूबर। रूबर मेनली आपके लेक्सेटिव कैटेगरी में आती है। तो सबसे पहले देखते हैं रूबर की सिनोनिम्स क्या होते हैं। रूबर्स को और के नामों से जाना जाता है, चाइना रूबर, टर्की रूबर, ईस्ट इंडियन रूबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल सोर्स की। तो रूबर इज द पील्ड ड्राइड राइजोम्स एंड रूट्स ऑफ फ्रियम पॉलमेटम लिन स्पीसीज को मेनली मेंशन करता है। तो इसका जो मेन बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है, रियम पालमेटम। अब ये क्या है, रूबर कहाँ से मिलता है, राइजोम और रूट्स से, किसके, रियम पालमेटम के, पील्ड एंड ड्राइड। पील्ड क्यों बोला गया, पील्ड मीन्स एक तरह से ऊपर से छील देना, ठीक है, छीला हुआ फल, पील्ड ऑरेंजेस बोलते हैं जैसे, वैसे पील्ड ड्राइड राइजोम्स एंड रूट्स ऑफ रियम पालमेटम लिन। फैमिली है इसकी पॉलीगिनेसी। ज्योग्राफिकल सोर्सेस का साउथ ईस्ट चाइना, साउदर्न साइबेरिया एंड नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके ऑर्गेनेल ऑप्टिक इवेल्यूएशन पे। इसका साइज जो होता है वो होता है 6 to 10 feet, मीन्स हम रूट और राइजोम से मिल रहा है तो उसका साइज उसी के हिसाब से 6 to 10 feet। अर्डर इसकी कैरेक्टरिस्टिक खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक अर्डर होती है। टेस्ट इसका स्ट्रिंजेंट होता है और नॉजियस होता है, ठीक है। कलर इसका ऊपर से एक्सटर्नली ब्राउन होता है और अंदर की साइड डीप येलो कलर का होता है जो भी रूट होता है या राइजोम। शेप क्या होता है इसका, रूट कैसी होती है, रूट के मेनली रूट की शेप को बताया गया, रूट थिक होती है और ओवल शेप होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम केमिकल कॉन्स्टेंट की। तो इसमें जो मेन केमिकल कॉन्स्टेंट है वो क्या है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। और इसमें जो केमिकल कॉन्स्टेंट आते हैं, एलोइमोडीन, इमोडीन, क्राइजोफिनॉल, रीन, एंथ्रोन, डाई एंथ्रोन, ये है इसके केमिकल कॉन्स्टेंट। फिर से हमें टेस्ट रिपीट कर देते हैं। आपने 100 mg पाउडर ड्रग ली किसमें, टेस्ट ट्यूब में, उसमें हमने डाला 5 ml H2SO4। उसके बाद हमने इसको मिक्स किया, मिक्स यहाँ पे लिखा हुआ शेक किया। शेक करने के बाद हमने इसको बॉइलिंग वाटर पे दो मिनट तक उसको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद हमने इसको बॉयल ही जब वो बॉयल होता तभी इसको हमने फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद हमने इसको फिल्ट्रेट को ठंडा किया। ठंडा करने के बाद अगर हमारा 5 ml, सपोज हमारा 5 ml फिल्ट्रेट आया तो हमने इक्वल अमाउंट उसमें बेंजीन ऐड किया, मीन्स अगर 5 ml फिल्ट्रेट है तो 5 ml उसमें बेंजीन ऐड किया। बेंजीन ऐड करने के बाद उसमें क्या होता है, बेंजीन लेयर अलग हो जाती है और उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम डाइल्यूट अमोनिया ऐड करते हैं। और फिर जो अमोनिकल लेयर, जो अमोनिया की लेयर अगर पिंक या रेड कलर की होती है तो ये क्या है, हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है। नेक्स्ट हमारा टेस्ट इसका कलर रिएक्शन विद अल्कली, अल्कली के साथ क्या देता है, कलर रिएक्शन देता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें पाउडर ड्रग लेते हैं। पाउडर ड्रग को हम किस पे लेते हैं, वाइट टाइल्स पे लेते हैं। वाइट टाइल्स जो आपके घर में यूज होती है वही वाइट टाइल्स, उसमें हम 2 ड्रॉप हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला, ठीक है। फिर कैसा कलर आया, येलो कलर आता है। किसका कलर होता है येलो कलर, जो मेडुलरी रेज होती हैं उनका कलर क्या हो जाता है, जो हमारे जो मेडुलरी रेज हैं, जो रूट्स हैं, जो मेडुलरी रेज हैं उनका कलर कैसा हो जाता था, डीप रेड। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजेस भी। तो जाहिर सी बात है अगर हम इसको लेक्सेटिव कैटेगरी में पढ़ रहे हैं तो इसका यूज लेक्सेटिव है, तो ये एज अ पर्गेटिव काम करता है। पर्गेटिव क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लेक्सेटिव को ही पर्गेटिव से बोलते हैं, ठीक है। और लेक्सेटिव आपको पता है क्या होता है, जो कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करते हैं। तो एक तरह से कैसे उनका मैकेनिज्म लेक्सेटिव का होता है आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि लेक्सेटिव को जब वाटर के साथ लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं बॉडी में, तो क्या होता है उसमें से वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर एब्जॉर्व करता है लेक्सेटिव, और वो वाटर पास हो जाता है हमारे स्टूल में। स्टूल को जो हमारा हार्ड स्टूल होता है उसको सॉफ्ट बना देता है और फिर वो स्टूल तब बॉडी से पास आउट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज़ है बिटर स्टोमैकिक की तरह भी काम करता है, कम लो डोज में बिटर स्टोमैकिक की तरह काम करता है। एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए भी हेल्प करता है फ्रॉम दी लिविंग सरफेस। एस्ट्रिंजेंट की तरह भी काम करता है, मीन्स अगर कोई स्मॉल कट हो गया है बॉडी में तो क्या करता है, स्किन पर अगर स्मॉल कट है तो उसमें भी हेल्प करता है, उसको भी ब्लीडिंग को रोकता है, कैसे, जो हमारी स्किन सेल की जो प्रोटीन है उसको प्रेसिपिटेट करके। और आल्सो यूज इन ट्रीटिंग बर्न्स। इसके अलावा जो इसकी रूट होती है जो हमारे इस प्लांट की, वो क्या करती है, एज हमारे जो है बर्न मीन्स जलने में भी हेल्प करती है, जलने में भी ट्रीटमेंट में काम आती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी रूबर्ब। इफ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन।